We on behalf of all central executive members of Karadadi District Student Union, मैं पब्लिक को या करदादियंस एवरी करदादियंस को मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है आज हम लोग जो डिफर कर रहे हैं ये कॉल ऑफ नहीं है, ये जस्ट डिफर है। 22 का जो गवर्नमेंट का साथ जो मीटिंग है, स्टेट गवर्नमेंट का साथ जो मीटिंग है, वो मैटर करेगा कि फर्दर क्या एक्शन होगा। तो उसको नहीं समझना कि हम लोग ये वन कॉल कॉल ऑफ कर दिया और हमारा चार तरफ डिमांड को हम लोग छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये चार तरफ डिमांड का सिलसिले में ही मतलब मीटिंग जो है डिस्कस करने का, राउंड टेबल डिस्कस करने का तो मीटिंग शेड्यूल किया है गवर्नमेंट जो। तो उस मीटिंग में क्या आउटकम होता है वो मैटर करेगा। तो इसलिए ये कॉल ऑफ नहीं है, ये जस्ट डिफर है, टेम्प्रोरी सस्पेंशन, आप उसको मान के भी चलो या टेम्प्रोरी ही सस्पेंस कर रहे हैं और करा देते। इसलिए जितना भी जो पब्लिक्स है, जो आज भी बहुत सारा वॉलेंटियर्स जो हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी एंड यूथ्स पब्लिक जितना भी जो सपोर्ट किया है, मतलब फुली जो मेंटली मॉरली पूरा रेडी होके जो 24 आवर्स वन कॉल के लिए जो रेडी होके था, उन सबको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये डिफर है, कॉल ऑफ नहीं है। और गवर्नमेंट अगर सचमुच में अगर हम लोग का जो चार्टर डिमांड को अगर ये फुलफिल नहीं करता है और उस मीटिंग में भी कुछ आउट मतलब पॉजिटिव आउटकम नहीं होता है, तो हम लोग का जो है डेमोक्रेटिक मोमेंट जो है कंटिन्यूशन रहेगा। तो तब तक के लिए जितने भी जो सपोर्टर्स विल बी सर पब्लिक्स जो स्टूडेंट कम्युनिटी को अपील करना चाहूँगा कि तब तक आप लोग वेट कीजिए और हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड को हम लोग कभी चोरेगा नहीं है। और गवर्नमेंट को हम लोग जो फ्लैश किया है तो उसको गवर्नमेंट क्या मतलब एक्शन लेता है, उनका तरफ से क्या मतलब रिस्पॉन्स है, वो हम लोग सुनने के लिए 22 के लिए हम लोग 22 का मीटिंग को अटेंड करने के लिए हम लोग ये जो है डिफर किया हुआ है। तो थैंक यू। चलो जस्ट ऑल करदादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हम लोगों ने मीटिंग बैठा अभी। तो मीटिंग जो इस प्रकार का हम लोग इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का साइड से एक ऑफिशियल लेटर आया। तो ये लेटर है तो उसमें ये लिखा कि ऑल करदादी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को जो हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, चार्टर ऑफ डिमांड को तो सेक्रेटरीट में 22 को एक मीटिंग शेड्यूल किया उन लोग ने, तो चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हॉल में सेक्रेटरीट में, उसमें हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड को लेके वहाँ में राउंड टेबल डिस्कस करने के लिए उन्होंने मीटिंग शेड्यूल किया। तो हम लोग को वहाँ में बुलाया 22 को। तो साथ साथ में अभी ये बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का साइड से कि 24 आवर्स जो करा देती डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन बर्न कॉल जो कल होने जा रहा है उसको डिपार करने के लिए, सो दैट हम लोग का ऑल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स उस सिलसिले में डिस्कस किया। तो हम लोगों ने ये डिसाइडेड किया कि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल लेटर को रिस्पॉन्स करते हुए जो ऑफिशियल लेटर जो है ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो कतरू से आया, तो उसको रिस्पॉन्स करते हुए हम लोग का कॉल करा था डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, ये रेजोल्यूशन आया कि कल का जो 24 आवर्स जो बन कॉल है करा था डिस्ट्रिक्ट में उसको हम लोग डिपर कर रहा आज। तो डिपर करते हुए हम लोग ये रेजोल्यूशन भी लिया है कि इनकेस 22 को जो मीटिंग है उसमें कोई अगर आउटकम नहीं होता है, गवर्नमेंट हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड को फुलफिल नहीं करता है, हम लोग उसमें अपना जो जो बन कॉल जो डेमोक्रेटिक मोमेंट को कंटिन्यूशन रखेंगे, रिज्यूम कर लेंगे। तो इसलिए आज का जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो रेजोल्यूशन जो है ये था। और साथ साथ में हम लोग का जो कि हम लोग का डिप्टी कमिश्नर करा देती डिस्ट्रिक्ट और उन लोग से भी SP ADC और EAC सबका साथ हम लोग ने आज DC ऑफिस में भी मीटिंग बैठा, उन लोग को भी हम लोग ये बता दिया कि हम लोग इस चीज़ को 24 आवर्स को डिफर कर रहे हैं एंड टिल 2020 ये जो है 21 का जो 22 ऑफ दिस मंथ तक। तो मीटिंग में जो आउटकम होता है उस हिसाब से हम लोग का फर्दर जो कोर्स ऑफ एक्शन जो है रहेंगे। तो तब तक के लिए कल का जो 24 आवर्स है वो डिफर है, ये हम लोग का ऑफिशियल डिक्लेरेशन फ्रॉम ऑल करा देते। थैंक यू।